दोस्तों, फिल्म भारत बॉक्स ऑफिस पर आज 10वां दिन बिता रही है। आइए नजर डालते हैं इसके अब तक के टोटल कलेक्शन और सलमान को हुए प्रॉफिट पर पूरे विस्तार से। शुरू करते हैं भारत के पहले ही दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। हम सभी जानते हैं सलमान की ये फिल्म सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई सलमान खान के करियर के लिए। फिल्म ने शुरुआती 3 दिन में ही 95 करोड़ की कमाई भारत में कर ली थी, जो वाकई में एक जबरदस्त आंकड़ा है। पहले दिन 42 करोड़ की ओपनिंग लेने वाली फिल्म ने शुरुआती 3 दिन में कमाई के नए रिकॉर्ड ही कायम किए और ओवरसीज भी उसने 3 दिन में 51 करोड़ का कलेक्शन 3 दिन में कर लिया था। यानी कि इस फिल्म ने पहले ही 3 दिन में वर्ल्ड वाइड 146 करोड़ का कलेक्शन करके सभी को चौंका दिया था। साथ ही सलमान खान की ये शुरुआती 3 दिन में सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म सुल्तान और टाइगर जिंदा है के बाद तीसरे नंबर पर ये फिल्म आई। फिल्म ने अपने चौथे, पांचवें, छठे दिन भी क्रमशः 22, 28, 30 करोड़ की कमाई करके भारत में संडे तक 80 करोड़ की कमाई और कर ली। इन्हीं दिनों विदेशों में भी फिल्म ने धमाकेदार कमाई की और शुक्रवार को 12 करोड़, शनिवार को 15 करोड़ और रविवार को 16 करोड़ कमा के ओवरसीज भी इसने वीकेंड में 43 करोड़ का व्यापार करके इस फिल्म को बेहतरीन आंकड़ों तक पहुँचाया। जहाँ पहले 3 दिन में 146 करोड़, तो अगले 3 दिन में इस फिल्म ने 123 करोड़ की कमाई वर्ल्ड वाइड की, जो कि एक बहुत ही शानदार आंकड़ा फिल्म के लिए रहा। यानी कि फिल्म शुरुआती 6 ही दिन में 270 करोड़ से ज़्यादा कमा चुकी थी वर्ल्ड वाइड। अब फिल्म के बात करते हैं 7वें और 8वें दिन फिल्म का कमाई गिरी और वर्ल्ड वाइड केवल 24 करोड़ की ही कमाई हो सकी। हालांकि इससे फिल्म की कमाई को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी देखने को मिला। आइए नजर डालते हैं इसके 9 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और आज यानी 10वें दिन का एस्टिमेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। देख सकते हैं आप, भारत ने फिल्म पहले ही दिन 42 करोड़ वेनसडे को और 23 करोड़ विदेशों में कमा लिए थे। दूसरे दिन 31 करोड़ और 16 करोड़ विदेश में। तीसरे दिन भारत में 22 करोड़, विदेश में 12 करोड़। चौथे दिन भारत में 28 करोड़ और 15 करोड़ विदेश में। पांचवें दिन रविवार भारत में 30 करोड़ और 16 करोड़ विदेश में। छठे दिन 8 करोड़ भारत में और 5 करोड़ विदेश में। सातवें दिन 9 करोड़ भारत में, 5 करोड़ विदेश में। आठवें दिन 7 करोड़ भारत में, 3 करोड़ विदेश में। नौवें दिन 4 करोड़ भारत में, 2 करोड़ विदेश में। दसवें दिन यानी कि आज 3 करोड़ भारत में और 3 करोड़ विदेश में ये कमाने वाली है। कुल मिला के इसका 10 दिन में टोटल भारत में 184 करोड़ और विदेश में अब 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है भारत। 10 दिन में 284 करोड़ कमा चुकी है भारत। आइए नजर डालते हैं इसके अब प्रॉफिट के बारे में। भारत ने रिलीज से पहले ही डिजिटल राइट 120 करोड़ में बेच के नए कीर्तिमान हासिल कर लिए थे। भाईजान यानी कि सलमान खान का टोटल प्रॉफिट होता है 284 करोड़ में। अगर आप 120 करोड़ का प्रॉफिट जोड़ दें तो सलमान भाई बॉक्स ऑफिस को 404 करोड़ का बॉक्स ऑफिस झटका देते हैं। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से भाईजान ने 80 करोड़ के बजट को इतना प्रॉफिटेबल बना दिया। 404 करोड़ में अगर इसका बजट निकाल दिया जाए तो फिल्म 324 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे हमें नजर आती है। ऐसे में सलमान खान की ये फिल्म नए नए कीर्तिमान इस तरीके से बना जाएगी, किसी को अनुमान नहीं था। लोगों को लग रहा था कि भाईजान रेस 3 के बाद वही हालत में होंगे, लेकिन इस बार इस पारिवारिक फिल्म ने शानदार कलेक्शन करके दिखला दिया कि सलमान काफी बेहतरीन एक्टर हैं। आपको फिल्म भारत कैसी लगी? ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखो देखो।